घर से भागकर आई प्रेमी प्रेमिका ने जाखल रेलवे फाटक के नजदीक ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर ने इसे देखते ही गाड़ी को तुरंत मौके पर ही रोक लिया, जिससे युवती बाल बाल बच गई तो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत गाड़ी से जाखल स्टेशन तक लाया गया। यहाँ से उसे जाखल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवक का उपचार कर उसे अग्रोहा रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार वह दोनों आपस में प्यार करते हैं, जो सुनाम के पास गांव बख्शीवाला के निवासी हैं। लड़की ने कहा कि वो इसी 12 दिसंबर को 18 साल की उम्र पूरी कर बालिग हो जाएगी। वह और युवक दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन परिवार वालों की शादी की मंजूरी नहीं है। इसी के चलते वह दोनों मंगलवार शाम को एक बाइक से रेलवे लाइनों पर गए, जहाँ उन्होंने मरने का प्रयास किया। इस बारे में डॉक्टर श्वेता ने बताया कि उनके पास रेलवे एक्सीडेंट का केस आया है, जिसमें युवक की टांग में चोट होने के कारण उसे अग्रोहा रेफर कर दिया गया है। ये पंजाब के रहने वाले बताए गए हैं। टोहाना से सुशील सिंगला, आजाद टीवी न्यूज। रेलवे एक्सीडेंट से आया था पेशेंट, सीरियस एक पैर काट दिया था और कुछ फ्रैक्चर थे, पेशेंट सीरियस था। कहाँ रेफर किया गया उसको? पेशेंट का नाम पाली बताया, पंजाब का बताया। बताया आपको? मुझे ये बताया कि वो ट्रेन से गिर गया। अच्छा।